खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत भरतखंड ड्योढ़ी गांव के शिव मंदिर में बुद्ध नगर और भरतखंड ड्योढ़ी के बीच क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें बुद्ध नगर टीम ने टॉस जीतकर 16 ओवर में 114 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं एनसीसी भरतखंड ड्योढ़ी 8 ओवर में ही 4 विकेट खोकर 118 रन बनाकर मैच जीत लिया। मैच में आयुष कुमार को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज मिला। इस मैच में वही अंपायर निर्णायक भूमिका में मनोज कुमार शाह और संतोष कुमार रहे। वही सौर उत्तरी मुखिया प्रतिनिधि उमेश कुमार सिंह के द्वारा पुरस्कार को वितरण किया गया। सौर उत्तरी मुखिया उमेश कुमार सिंह के द्वारा कहा गया कि खेल खेल की भावना से खेलना चाहिए, खेल शरीर के लिए आवश्यक है। जहाँ तक खेल की दुनिया में पढ़ाई की दुनिया में सहयोग होगा, हर समय हम इस बच्चों के लिए तैयार है। मौके पर मौजूद उप सरपंच प्रतिनिधि नरेश कुमार सिंह, डॉक्टर रमेश कुमार सिंह, सिद्धार्थ कुमार यादव, अमित कुमार जायसवाल, परमानंद जायसवाल आदि मौजूद थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस तरह खेले। सबसे ज्यादा धन्यवाद आयुष को जो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब चीज में अमल रहे और सारे टीममेट को एक जैसे लेकर चले। धन्यवाद। सर उत्तरी ग्राउंड दुर्गा स्थान फील्ड पे बी टीम के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, जिसमें बुद्ध नगर और दोहरी टीम के बीच खेल तो खेल ही होता है, कोई भी जीते। पहलवान तो दो ही अखाड़ा पे रुकता है और लास्ट में जो जीता है उसी का वर्चस्व माना जाता है। उससे मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए, खेल खेल होता है, आगे नेक्स्ट के लिए जो है मनोबल रखना चाहिए। और हम अपने तरफ से हर युवक को कहते हैं, खेल अनुशासन में होना चाहिए और खेल का प्रदर्शन जितना अच्छा हो उतना नाम होता है। व्यक्तित्व प्रदर्शन होना चाहिए, टीम का तो होता ही है, टीम का तो करना ही है, लेकिन व्यक्तित्व प्रदर्शन होना चाहिए। और हम आशा नहीं बल्कि पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अपना अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। व्यक्ति प्रदर्शन का एक अलग जो है नाम होता है। धोनी जो है, धोनी किसी टीम से खेलता होगा लेकिन उसका अपना एक व्यक्तित्व है, अपना जो एक नाम हुआ। कैसे नाम हुआ? वो अपना खुद का खेल दिखाया। इसलिए उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप लोग आगे नेक्स्ट में जो है अनुशासन और अच्छा खेल का प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।